बोनजोर अमीगो, इंडिया का ट्रेवल गुरु आपका अपना अमिताभ बघेल। हम पहुंच चुके हैं सेक्टर क्यू चौराहा, विशाल श्रीवास्तव जी के शॉप है, कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्ले ग्रुप्स और ब्ला 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 ब्ला। सो नीरज बोरा जी मौजूद हैं, रविदास जयंती है आज, और इस उपलक्ष्य में लगभग 100 से 150 लोगों का अपार जनसमूह मौजूद है। बाकी लोग घरों से रुकते चलते फिरते सब रुक रुक के देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और बोरा जी अभी बोलेंगे, अपना थोड़ा सा छोटा सा सूक्ष्म भाषण देंगे और जीतेंगे भाई, जीतेंगे, डॉक्टर नीरज बोरा जीतेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय अभी श्री पहुंच गए राम, हैं एक मथुरा ही और नारा, जय अभी श्री यात्रा राम। का जो बड़े भी पार पहुंचना है वो पहुंच चुके हैं। तो ये महापुरुषों का इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है और आज भारत का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उस इतिहास को लोगों को देने जा रहा है। जब हम अपने आराध्य गुरु गोविंद सिंह की कथा पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं और साहबजादों के बलिदान को पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि साहबजादों ने, उनके पुत्रों ने जो बलिदान दिया है और धर्म की रक्षा के लिए दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम और हमारा रक्त उनसे जुड़ा हुआ है। उस गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाने का व्रत लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और वह गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ियां पढ़े, जाने कि हमारे महापुरुषों का कितना बलिदान है। इस देश में इतने आक्रमण हुए, इस देश में इतने आक्रमण हुए, लेकिन आक्रमण होने के बावजूद भी हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म सदैव चिर रहा, आगे बढ़ता रहा, उसको कोई नष्ट नहीं कर सका। नष्ट करने वाले बहुत आए लेकिन सनातन हमेशा उसी मजबूती के साथ रहा। और जिस समय आज 2000 वर्ष पहले यही सनातन और यही देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा था, आज वह लगता है कि वह गौरवशाली वर्ष पुनः हम लोग उस वाहन मार्ग पर चल रहे हैं, पुनः हमारा नेतृत्व पूरे विश्व का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और लोग धीरे धीरे स्वीकार करना प्रारंभ हो गए हैं, चाहे किसी धर्म के मानने वाले हो, लेकिन वो हमारे नेतृत्व को विश्व का नेतृत्व बोलने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लखनऊ सज रहा है, लखनऊ सफल रहा है, दिखाई दे रहा है। एचसीएल का एक कारखाना होता था, कोई कारखाना नहीं आ पाया, आज तो ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ को करने जा रहा है, उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। और यह ब्रह्मोस भारतीय सेना के साथ साथ दुनिया को भी हम देने का काम करेंगे, यहां से पता करें तो अब तो यकीन होता है। लोग हमें कहते थे आदरणीय सिन्हा साहब अभी कहीं रह रहे, लोग हमें कहते थे कि हम लोग खाली बातें करते हैं, अब तो हम प्रदर्शन करते हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर की तो हमने घोषणा भी नहीं की, वो बना दिया और मथुरा का सरदार की तैयारी हो गई है, वृंदावन की तैयारी हो गई है, बांके बिहारी के मंदिर में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरह सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। जिस बिहारी के मंदिर पर आप गलियों से जाते थे, चौड़े चौड़े घाट बनाए जाने वाले हैं और जैसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सामने गंगा जी के दर्शन होते थे, ऐसे अब बांके बिहारी के मंदिर से आपको केसी घाट के यमुना जी के सामने से दर्शन होंगे, ऐसा दिव्य स्वरूप अब आपके सामने आने वाला है, दिख रहा है। आशीर्वाद दीजिए, आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और पुनः उपस्थित होऊंगा। आज कार्यक्रम बहुत है लेकिन 23 तारीख को अगर आपको लगता है कि मोदी जी अच्छा काम करते हैं, योगी जी अच्छा करते हैं, मनी राजा जी अच्छा करते हैं,
और आपका ये बेटा ये भाई उस प्रयास में अपना योगदान देता है। तो जैसे घर में बेटे को शाबाशी दी जाती है, लेकिन जनता जो जनार्दन है वो शाबाशी मतदान के माध्यम से करती है। एक वोट से जीतने पर भी पावर तो होती रहती, लेकिन योगी जी को कैसे लगेगा कि लखनऊ उत्तर विधानसभा में सबने संकल्प लिया है और जब आप लखनऊ की सर्वाधिक जीतने वाली सीट को उत्तर विधानसभा को दर्ज करेंगे तो योगी जी को प्रसन्नता होगी और मुझे पूरी शक्ति मिलेगी। उस पूरी शक्ति के साथ मैं और ऊर्जा के साथ काम करूंगा, क्योंकि अगर बच्चे को पिता शाबाशी देता है तो बच्चा और ऊर्जा से काम करता है, टीचर अपने स्टूडेंट को शाबाशी देता है तो स्टूडेंट और मेहनत करता है, ऐसे मैं और मेहनत कर सकूं, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपील करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरा समर्थन कीजिए, मैं तो जो जयकारा लगाता हूँ सबको सर्वोदित है, वही जयकारा आपसे समर्थन मांगता हूँ। बोले बाके बिहारी लाल की, रानी सरदार की, राजेंद्र सरकार की, धनंजय महाराज की, भारत माता की, जय श्री वीरांगना, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। बहनों, अब डॉक्टर नीरज बोरा जी चलने की तैयारी में है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अभी उनको आगे त्रिवेणी नगर जाना है, फिर शाम को पीयूष जी आ रहे हैं, पीयूष गोयल जी अपने रेल मंत्री जी, वो नया नगर में प्रोग्राम होना है, जहाँ तक संभव हो पाएगा एक दो प्रोग्राम अभी और कवर करेंगे। और कल है आपका ये 17 फरवरी, वहाँ भी नीरज बोरा जी फिर नयानगर आ रहे हैं, तो वाला भी प्रोग्राम कवर करने की कोशिश की जाएगी, और भी नीरज बोरा जी का कैंपेन जो होते रहेंगे ब्ला 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 कवर करेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे, डॉक्टर नीरज बोरा जीतेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम से बड़ा नहीं है कोई नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जो राम को लाए हैं। सो भाइयों बहनों और डॉक्टर नीरज बोरा जी चल रही हैं अपनी गाड़ी की ओर और निकलने वाले हैं, अभी त्रिवेणी नगर में मिलेंगे हम लोगों को। और आपका ब्लॉगर इंडिया का ट्रैवल गुरु अमिताभ बघेल ले चलता है अब लोगों को त्रिवेणी नगर के शूट के लिए। और विशाल श्रीवास्तव जी का बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सो गाइज, अब नीरज बोरा जी जा चुके हैं और ये ग्रुप फोटो सेशन चल रहा है, आज रविजान जयंती है और अभी विशाल श्रीवास्तव जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं त्रिवेणी नगर की ओर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जय हिंद।